तो राम राम सही भाइयों को, क्या है भाइयों, आप सबकी उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि अपनी किया कारेंस का ओनरशिप रिव्यू दो, ओनरशिप रिव्यू दो। तो दोस्तों आज की वीडियो में ओनरशिप रिव्यू के बारे में बताने वाला हूँ, ओनरशिप रिव्यू का एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला, क्योंकि देखो अभी नई गाड़ी है तो इतना अभी गाड़ी को मैंने चलाया नहीं है, तो जब ज़्यादा चला दूंगा तभी इसके बारे में एक प्रॉपर ओनरशिप रिव्यू लेके आऊँगा। लेकिन अभी मैं आपको एक ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, गाड़ी का चाल डाल कैसी है, सेल्टोस क्रेटा से क्या डिफरेंट है इस गाड़ी में चलने में और अंदर का सस्पेंशन में इंजन में, सब कुछ बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूँ, ये मेरा 1.5 डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन वाला 6 सीटर वाला लग्जरी प्लस वाला वेरिएंट है दोस्तों। तो गाड़ी का दोस्तों मैं अपना फीडबैक बताऊँ तो बहुत शानदार गाड़ी है, स्पेस मान लीजिए, कम्फर्ट मान लीजिए, चलने के मामले में मान लीजिए, गाड़ी भागने में बहुत शानदार है। मतलब जो इस गाड़ी का पिकअप है ना वो नो डाउट किया सेल्टोस के बराबर ही है। इंजन की जो रिफाइनमेंट बहुत अच्छी है, अंदर बैठ के आपको साउंड बिल्कुल भी नहीं आएगी इंजन की। क्लच बहुत इसका स्मूथ है, पेट्रोल गाड़ी जैसा क्लच है इसका। गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है, जो इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है बहुत स्मूथ है। पर्सनली मैं बताऊँ क्रेटा से ज़्यादा स्मूथ मुझे इसका स्टीयरिंग लगा है। बाकी थोड़ी इंजन की मतलब वो कहते हैं ना थोड़ी सी लंबी गाड़ी है, तो जो जो क्रेटा का जो रिस्पॉन्स है ना इंजन का वो थोड़ा ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू किया कारेंस। अब काफ़ी सारे कमेंट मेरे पास आ रहे थे कि सीरीज़ कौन सी लगवाई है, तो सबसे पहले एसेसरीज़ की बात करूँ तो देखो ये वाली एसेसरीज लगी क्रोम की, काफ़ी सारी एसेसरीज हमने लगवाई हैं क्रोम की, देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला लोअर गार्निश क्रोम, ये वाला क्रोम, तो काफ़ी सारी क्रोम की एसेसरीज लगाई हैं साइड में क्रोम, जो कि एक एसेसरीज का पार्ट था इसका। बाकी दोस्तों हाइट की बात करूँ तो किया सेल्टोस से नो डाउट ये गाड़ी ऊँची है, कम्फर्ट है, पूरी कम्फर्टेबल गाड़ी है। पीछे से भी ऐसी कुछ गाड़ी दिखती है, पीछे एसेसरीज के नाम पर देखो ये लगाया हमने, ये रियर हेडलाइट का क्रोम लगवाया हमने, ये लगाया, तो काफ़ी सारी क्रोम के आइटम है। बाकी बूट स्पेस की बात करूँ तो बूट स्पेस देखो 7 सीटर के बाद भी इस गाड़ी का बूट स्पेस अच्छा खासा है। मतलब ये मान लो छोटे छोटे दो बैग तो यहाँ पे आ ही जाएंगे। बाकी देखो ये है इसकी रियर की सीट्स की जो कम्फर्ट है। पीछे स्पेस की बात करूँ तो 5-8 क्या बंदा यहाँ पर आराम से बैठ जाएगा। पीछे कप होल्डर जो मिलते हैं, चार्जिंग पोर्ट मिलता है, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट इस गाड़ी में दिया गया है हर जगह, जो कि पीछे भी है, आगे भी है और सबसे लास्ट वाली रो में भी है। बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी आपको बहुत बढ़िया मिलेगी आपको, मतलब ये मान लो जो कि किया की सेल्टोस है ना उससे बढ़िया बिल्ड क्वालिटी इस गाड़ी में दी गई है। बाकी अगर मैं इस गाड़ी में टायर्स की बात करूँ, देखो दोस्तों 16 इंचज़ के टायर हैं जो कि MRF के टायर इसमें दिए गए हैं इस गाड़ी में, जो कि बहुत बढ़िया बात है। 16 इंच के टायर हैं, डिस्क ब्रेक भी इसमें चारों में डिस्क ब्रेक मिलते हैं क्योंकि ये टॉप एंड वाला वेरियंट है। बाकी ऐसे कुछ गाड़ी में कैप्टन सीट्स हैं, देखो कंफर्टेबल बहुत हैं, यहाँ से आप इस गाड़ी की सीट्स को आगे पीछे कर सकते हैं और यहाँ पे वाला बटन दे रखा है जिससे कि आप ये दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली सीट फोल्ड हो गई। बाकी एक बार मैं बैठ के दिखाऊँ तो एक बार देखो पीछे की स्पेस काफ़ी सही है, मतलब ये मान लो 5-8 का बंदा यहाँ पे आराम से बैठ जाएगा, चार्जिंग पोर्ट, कप होल्डर, सब कुछ है, कंफर्टेबल सीट है पीछे की, तो और पीछे यहाँ पे हेडरेस्ट भी दी गई है, तो काफ़ी बढ़िया गाड़ी है। एसी वेंट भी यहाँ पीछे दे रखे हैं जो कि लाइट के साथ आते हैं, यहाँ पे पीछे लाइट मिलने वाली है और ये एसी वेंट दिए गए हैं, तो पीछे की स्पेस बढ़िया दी गई है मतलब गाड़ी में। बाकी यहाँ पे आप यहाँ भी एसी वेंट दिए गए हैं, सन ब्लेंड्स भी यहाँ पे आपको सनशेड्स मिलेंगे जो कि काफ़ी बढ़िया है। बोस का सिस्टम मिलेगा इसमें आपको, जिसकी मैं अभी अब आपको आवाज़ सुनाऊँगा। बाकी ऐसा कुछ गाड़ी का फ्रंट का आपको इंटीरियर मिलता है, काफ़ी बढ़िया इंटीरियर है ये, समझ लो जो आपको सेल्टोस में म्यूजिक सिस्टम मिलता है सेम आपको वही सिस्टम दिया गया है। वेंटिलेटेड सीट्स इसमें आपको मिलने वाली हैं, उधर से मैं आपको दिखा दूँ। बाकी हाइट दो, हाइट की बात करूँ तो किया सेल्टोस से गाड़ी ऊँची है, नो डाउट काफ़ी ऊँची गाड़ी है। और मतलब अब अगर आप ये गाड़ी ले रहे हैं तो हाईवे की ट्रिप के लिए आपके लिए ज़्यादा बढ़िया है। एवरेज की बात करूँ तो ये गाड़ी लगभग 15-16 के आसपास का एवरेज सिटी में निकाल देगी और हाईवे पर ये 20-22 का एवरेज आराम से निकाल देगी। लंबी देखो कितनी है, काफ़ी लंबी गाड़ी, लंबी है ना गाड़ी है, काफ़ी लंबी गाड़ी है, जैसे कि आपको XUV700 मिलती है ना उसी के आसपास की गाड़ी है, ज़्यादा काफ़ी लंबी है। जैसे अर्टिका इससे थोड़ी छोटे सेगमेंट की गाड़ी आ गई, लेकिन ये उससे थोड़ी अपर सेगमेंट की है। फ्रंट में भी आपको यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, 4 पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे फ्रंट में, तो काफ़ी बढ़िया है। इसमें आपको 360 डिग्री कैमरे का ऑप्शन नहीं मिलता जो कि सेल्टोस में मिलता है। बाकी सस्पेंशन बढ़िया, गाड़ी में कंफर्टेबल है। ऑन रोड प्राइसिंग की बात करूँ तो ये वाला 6 सीटर वाला वेरिएंट की जिसका प्राइस है डीजल में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 19,20,000 के आसपास ये गाड़ी का प्राइस मिलता है। कीलेस एंट्री इसमें आपको मिलती है,
तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पर फ्रंट का कैबिन मिलने वाला है, तो जो कि काफ़ी अच्छा है, प्रीमियम कैबिन मिलता है आपको, डीकर स्टेयरिंग व्हील जो कि जैसा आपको सेल्टोस में मिलता था वैसा ही मिलने वाला है। और ऐसी कुछ इस गाड़ी में की मिलने वाली है जो कि लॉक अनलॉक यहाँ पे होल्ड करके रखें तो बूट खुल जाएगा, तो काफ़ी बढ़िया है। स्टार्ट करके मैं दिखाऊँ एक बार, तो इंजन साउंड की बात करूँ तो गाड़ी में इंजन साउंड नहीं है बिल्कुल भी, डीजल इंजन होने के बावजूद भी इंजन साउंड इस गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। और यहाँ पे सबसे बढ़िया बात, इसमें किया कनेक्ट का फीचर दे रखा है, ये इसमें दे रखा है। यहाँ पे तीन फीचर मिलेंगे इसके ORVM पे। सबसे जो पहला फीचर है इसमें आपको मिलने वाला है SOS, मतलब जब आपकी जैसे आपका एक्सीडेंट हो गया तो आप इसको दबा सकते हैं और आपके पास किया वालों के पास ऑटोमेटिकली इन पे वार्निंग पहुँच जाएगी कि आपका एक्सीडेंट हो चुका। ये टो करने का फीचर है और ये किया कनेक्ट, जो कि आपकी गाड़ी में कोई भी कंप्लेन आ रही है तो इसको दबाएंगे तो उनके पास ये ऑप्शनल पहुंच जाएगा। बाकी ये लाइट्स मिलने वाली हैं और यहाँ पे आपको बड़ा सा सनरूफ मिलेगा, जैसा आपको सेल्टोस में सनरूफ मिलता है ना उतना ही मिलेगा, तो सही है, अभी अच्छा फीचर है। यहाँ पे सनग्लास होल्डर मिलने वाला है, यहाँ पे आपको वैनिटी मीटर नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको वैनिटी मीटर का ऑप्शन दिया गया है। बाकी जो इस गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम है, बोस का म्यूजिक सिस्टम है, काफ़ी बढ़िया है। टच की रिस्पॉन्स की बात करूँ तो टच का रिस्पॉन्स बढ़िया है। नेविगेशन यहाँ पे आपको मिलेगी, इनबिल्ट नेविगेशन, साउंड जैसा चाहे वो आप सेट कर सकते हैं, बेस चाहिए आपको, मिड रेंज चाहिए, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। वॉइस कमांड का फीचर भी इसमें आपको मिलता है, किया कनेक्ट का फीचर भी इसमें आपको मिलता है, तो काफ़ी सारे फीचर इसमें आपको मिलने वाले हैं, तो बढ़िया सिस्टम है। तो ओवरऑल अगर आपका बजट 19-19.5 लाख रुपये का है तो आप ये ले सकते हैं। नीचे यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिलेगा, जो कि इसको दबाएंगे तो वेंटिलेटेड सीट्स यहाँ पे ऑन हो गई है। सी टाइप यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट मिलेगा, USB का 12 वोल्ट का चार्जर मिलेगा, यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने का, और यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आप अपना फ़ोन वोन रख सकते हैं, और ये वायरलेस चार्जिंग है, यहाँ पे अपना फ़ोन रख सकते हैं और वायरलेस चार्जिंग आपको मिलने वाली है। मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, कप होल्डर, और यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट का ऑप्शन दिया गया है। बाकी बढ़िया गाड़ी है, अगर आपके पास बजट है 19 लाख रुपये के आसपास तो आप ये वाली गाड़ी ले सकते हैं। तो इंजन साउंड सुन लो दोस्तों इस गाड़ी की, इंजन साउंड इस गाड़ी की इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, काफ़ी बढ़िया साउंड इस गाड़ी की है। बाकी ये देखो इसकी LED लाइट्स जो काफ़ी बढ़िया लगती हैं, नीचे आपको यहाँ फोग लैंप मिलने वाले, तो गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है, मतलब बढ़िया गाड़ी आपको मिलने वाली है। बाकी दोस्तों यही था आज की हमारी वीडियो में, छोटा सा आपको रिव्यू देना था। गाड़ी चलने में बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सस्पेंशन बहुत बढ़िया है, बाहर की रोड स्वाइंड इस गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं आती, तो बहुत अच्छे तरीके से किया वालों ने अपनी कारेंस को डिज़ाइन करा है। ग्राउंड क्लियरेंस भी दोस्तों इस गाड़ी का देखो काफ़ी बढ़िया है, सेल्टोस से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। बाकी यही था आज की हमारी वीडियो में, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर जाना। एक बार आपको पीछे की लाइट का मैं और भी दिखा दूँ, पीछे दोस्तों देखो ऐसी कुछ इस गाड़ी की लाइट लगती हैं, काफ़ी प्यारी लाइट लगती हैं इस गाड़ी की। बाकी वीडियो कैसी लगी हो, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे किया कारेंस के बारे में, किया कारेंस की वीडियो बनाओ। दोस्तों ये रहा किया कारेंस का एक ऑनरशिप रिव्यू, ये रिव्यू कम मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ज़्यादा है क्योंकि अभी नई गाड़ी इतना कुछ पता नहीं। बाकी इस गाड़ी को हाईवे पर भी लेके जाएंगे, इसके ऊपर एक माइलेज की वीडियो में एक सेपरेट बताऊंगा कि सेल्टोस से इस गाड़ी में जो माइलेज का डिफरेंस है वो कितना है दोस्तों। बाकी ये पर्सनल ओपिनियन था मेरा, कोई भी मैं बताऊं जिसका बजट है 19-20 लाख के आसपास और वो 6 सीटर या 7 सीटर वाली गाड़ी लेना चाह रहा है तो उसके लिए किया कारेंस बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। बाकी यही था दोस्तों एक छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस किया कारेंस के बारे में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर जाना, नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों को पता चले किया कारेंस जो बंदा लेना जा रहा है उसको किया कारेंस के बारे में पता चले। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।